गिरदा साहब दूसरी दलील देते हैं कि मुसन्नफ इब्ने भी शैबा में आया कि इकरिमा रहिमहुल्ला पांव पर मसा करते थे और वो कहते थे मैं कुरान पर ही अमल कर रहा हूं। सही सनद के साथ है, शेख जुबैर इज़ई साहब ने अपने रसाले में भी लिखा है कि इकरमा जो थे ताबई अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के शागिर्द, वो पांव का मसा किया करते थे और वो कहते थे मैं कुरान के हुक्म पर अमल कर रहा हूं, और वो कहते थे मैं कुरान के हुक्म पर अमल कर रहा हूं, और वो कहते थे मैं कुरान के हुक्म पर अमल कर रहा हूं। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों के ऊपर अल्लाह की लानत। मिर्ज़ा साहब मुसन्नफ इब्ने भी शैबा में ये लफ्ज है ही नहीं कि इकरिमा कहते हो कि मैं कुरान पर अमल कर रहा हूं, ये झूठ है, ये तुम्हारा बहुत बड़ा बोहतान है। ये मेरे सामने है इकरिमा की रिवायत। अय्यूब कहते हैं रअईतु इकरिमा यमसु अला रिजलई, मैंने इकरिमा को देखा वो पांव पर मसा करते थे, वकाना यकूलु बिही, और वो इसी के कायल थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इकरिमा ये कहते थे कि ये कुरान पर अमल है, नहीं, ये इकरिमा ने कहीं नहीं कहा, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में नहीं है, ये तुमने उनका नाम लेकर झूठ बोला। मौजूद है अजल से ये कारवां।